हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है क्लाउड फेडरेशन राइट सो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लाउड फेडरेशन उसके एग्जांपल्स एंड देन व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड फेडरेशन राइट सो इफ वी टॉक अबाउट द क्लाउड फेडरेशन सो so बेसिकली कि फेडरेशन का मतलब क्या है सो so इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ देयर आर वेराइटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन क्लाउड राइट मीन सपोज ये एक आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो कि कुछ सर्विसेज डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है राइट right? इसी तरीके से ये एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसने अपनी कुछ सर्विसेज क्रिएट कर रखी है और वो डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इसी तरीके से एक ये थर्ड प्रोवाइडर है जो कि क्या कर रहा है कुछ सर्विसेज क्लाउड को सॉरी यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है ऑन दी रिक्वेस्ट बेसिस यानी कि जो भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा वो सर्विसेज ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूजर्स को प्रोवाइड करेगा राइट अब ये टाइप ऑफ क्लाउड ये कोई भी हो सकता है पब्लिक क्लाउड हो सकता है प्राइवेट क्लाउड हो सकता है या हाइब्रिड क्लाउड हो सकता है राइट right? अब इस अगर फेडरेशन की बात करें कि बेसिकली अब फेडरेशन का क्या रोल है इसमें सो so, फेडरेशन क्या करता है सपोज ये सर्विस प्रोवाइडर जो भी सर्विसेज डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर रहा है राइट right? बट है क्या जैसे इसने जो भी सर्विसेज डिजाइन कर रखी है वो किसी एक लिमिटेड यूजर्स के लिए ही होगी मींस ऐसा तो नहीं है यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर लोड इसने डिसाइड किया होगा जो भी होगा मान लीजिए एन एन की वैल्यू थाउजेंड टू थाउजेंड टेन थाउजेंड या इस तरीके से एक फिक्स नंबर ऑफ यूजर्स जिसके लिए इसने ये डिसाइड किया होगा कि इसके नेटवर्क पे एक साथ इतने यूजर्स इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सकते हैं बट फॉर अ टाइम बींग अगर कुछ ऐसा होता है कि सपोज मान लीजिए अगर इसने सपोज 10,000 के लिए डिजाइन किया था और यहां पे एडिशनल यहाँ पे 10,000 और यूजर्स आ जाते हैं ठीक है सो इन दिस केस ये जो सर्विस प्रोवाइडर होगा ये अकेले सिर्फ अपनी सर्विसेज से इतने लोड को बैलेंस नहीं कर सकता है दैट कि इतने यूजर्स को एक साथ ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है राइट right? अब ये क्या करेगा सो so, इसके लिए ये क्या करेगा जो भी इसी टाइप के मान लीजिए ये जो सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है ये जो सर्विस प्रोवाइडर जो यूजर्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये सर्च करेगा कि इस पर्टिकुलर क्लाउड में और कितने ऐसे यूजर हैं जो इसकी हेल्प कर सकते हैं यानी कि इस टाइप की सर्विसेज डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं सो फॉर दिस मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट करता है क्लाउड टू यानी कि इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू इससे ये कॉन्टैक्ट करेगा सो so अब ये क्या कर सकता है क्लाउड वन ये या तो इसकी सर्विसेज को रेंट कर सकता है राइट और या तो इसकी सर्विसेज को परचेज कर सकता है That depends कि इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को किस तरीके से ये करता है, राइट right? अब क्या होगा ये जो एडिशनल रिक्वेस्ट आ गई थी यूजर्स को ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये इसकी हेल्प से ये क्लाउड वन इतने एक्स्ट्रा यूजर्स को यहाँ पे उसकी उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है यानी कि बेसिकली ये इस टाइप से जो भी लोड आया

एडिशनली कुछ और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प से जो भी लोड बैलेंसिंग करेगा और जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो सारा ये जो प्रोसेस है दिस इज बेसिकली एज क्लाउड फेडरेशन इज लोड बैलेंसिंग यानी कि ये जो भी यूजर्स आ रहे हैं एडिशनल यहाँ पे उसका मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड जो भी वो एक्सेस रिक्वेस्ट करते हैं उसका कंट्रोल ओके सो ये है बेसिकली क्लाउड फेडरेशन अब इसको टेक्निकली मैंने यहां पे डिफाइन किया हुआ है सो टेक्निकल टर्म में इफ वी वांट टू डिस्कस इट तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा क्लाउड फेडरेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट ऑफ टू और मोर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स राइट द मेन थिंग इज कि ये क्या करेगा इट इज द इंटरकनेक्ट बेसिकली इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट ऑफ टू और मोर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ओके फॉर द पर लोड बैलेंसिंग यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लोड बैलेंसिंग सो बेसिकली यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ फेडरेशन इज लोड बैलेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूजर्स, ओके सो टेक्निकली इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली इट इज दशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट ऑफ टू और मोर सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर दर्पज ऑफ लोड बैलेंसिंग ओके यानी किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है यूजर्स को प्रोवाइड को, को नहीं कर सकता सो तो वो अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर हेल्प लेता है उनसे कुछ सर्विसेस रेंट करता है या परचेज करता है सो so ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड फेडरेशन के ओके okay? अब अगर ये सोचा जाए कि क्या हम वाकई में क्लाउड फेडरेशन यूज करते हैं यानी कि एज अ यूजर क्या हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और अगर प्रोवाइड की जा रही है तो किस टर्म में प्रोवाइड की जा रही है so आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो पहले इनिशियली जो क्लाउड आपका था क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स थे या जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी आपको क्लाउड के थ्रू सो so उसमें तो नहीं बट जो मॉडर्न क्लाउड है अभी यानी नाउ अ डेज जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपने जैसे देखा होगा कि सपोज अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करना चाहते हो सपोज आप LinkedIn पे लिंक करना चाहते हो ओके okay? so, तो ऑप्शन है उसमें आप खुद साइन अप कर सकते हो दूसरा क्या है कि उसमें आप गूगल अकाउंट से भी आप लॉग इन कर सकते हो या फेसबुक अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हो सो so, यही है बेसिकली फेडरेशन जिसमें कि एक सर्विस प्रोवाइडर है सपोज ये लिंकड इन ओके ये चाहता है कि बार बार ये अकाउंट वेरिफिकेशन ना करे उसका वैलिडिटी ना करे सो so वो users, अगर वो यूजर्स अगर ऑलरेडी किसी और साइट पे रजिस्टर है और वहां पे उनका वैलिडेशन हो रहा है सो so वो क्या करता है यहीं से डेटा यहां पे फेच कर लेता है और ये वैलिडेशन यहां से यूज कर लेता है राइट right? सो so बार बार उसको हर एक यूजर का अपने वेबसाइट पर वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ओके okay? अब इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो सो so उसमें अगर ये भी होता है कि आप न्यू रजिस्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या कई बार ऐसा होता है अगेन सेम आपसे गूगल के थ्रू भी वो वेरीफाई करा लेता है या फेसबुक के थ्रू भी वेरीफाई करा लेता है ठीक है या कोई और अदर अकाउंट जिसके थ्रू वो वेरीफिकेशन आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो सो ऑल दीज एग्जैम्पल्स ये आपके हैं क्लाउड फेडरेशन के जिसमें कि एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज दूसरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपने बेनिफिट के लिए ठीक है या अपने टास्क को इजी करने के लिए वो यूज करता है सो बेसिकली ऑल दीज आर नोन एज फेडरेशन ऑफ क्लाउड ओके अब इसके अगर हम एडवांटेजेस डिस्कस करें कि बेसिकली क्या एडवांटेज प्रोवाइड करता है या इसको क्यों यूज कर रहे हैं फेडरेशन का क्या रिक्वायरमेंट है सो so, इसको मैंने यहां पे एडवांटेजेस डिफरेंट मेंशन किए हुए इसको वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट एडवांटेज इज लोड बैलेंसिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट ओके सो ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको यहाँ पे लोड बैलेंसिंग एक्सप्लेन किया है कि अगर सडन रिक्वेस्ट आती है कुछ एडिशनल यूजर्स की या कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती है जो एक सर्विस प्रोवाइडर अकेले यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकता है सो so, वो क्या करेगा हेल्प लेगा अदर सर्विस प्रोवाइडर की सो बेसिकली दिस इज नोन एज दी लोड बैलेंसिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट ओके यानी कि जो भी यूजर्स है उसको मैनेज करना उसको एक्सेस प्रोवाइड करना और उसको रिसोर्सेस प्रोवाइड करना ओके सो दिस इज नोन एज द लोड बैलेंसिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट ओके अब नेक्स्ट इसमें एडवांटेज है स्केलिंग डेटा टू अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ठीक है स्केलिंग का मतलब क्या है यानी कि जो भी यूजर आ रहा है इसके पास सपोज अगर एन रिक्वेस्ट है और ये एन आपका मान लो टेन थाउजेंड है तो से क्या करेगा? कुछ को ये मेंटेन करेगा और कुछ यूजर्स को ये अदर जो भी सर्विस प्रोवाइडर उसके पास यहाँ पे ट्रैफिक को ट्रांसफर कर देगा सो so दैट ये दूसरा सर्विस प्रोवाइडर या तो क्या करेगा इसी की सर्विस को ये यहाँ पे खुद के पास ले लेगा वहां से ये खुद सर्विस प्रोवाइड करेगा या यहाँ से एक कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है सो दैट ये सर्विस प्रोवाइडर एडिशनल यूजर्स को रिसोर्सेस प्रोवाइड करेगा उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा राइट सो दिस इज नोन एज दिस स्केलिंग डेटा टू अदर सर्व क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ओके थर्ड इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सिस इसका मतलब यह है एफिशिएंसी का यहाँ पे क्या रोल है सपोज यहाँ पे एक कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है राइट right? और उसने कुछ ऐसी सर्विसेज डिजाइन कर रखी है अपने पास जिसका कि अभी कोई भी यूज नहीं हो रहा है ओके मतलब कि इसके पास कोई भी ट्रैफिक नहीं है कोई यूजर इस पर्टिकुलर सर्विस को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे है। तो अब क्या है इस यूजर ने ये जो जो सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है इसने इसको क्रिएट करने के लिए सर्विस को कुछ जो भी यहां पे, कुछ भी चार्जेस पे तो कॉस्ट आया ही होगा और एडिशनल यहाँ पे रिसोर्सेज का भी इसने यूज किया होगा ओके सो so अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है यहाँ पे इसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है जो इसने सर्विस क्रिएट की है बट अगर इस टाइप से कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर इसकी सर्विसेज को अगर परचेज कर ले या रेंट कर ले तो अब क्या हो गई इसने जो भी रिसोर्सेज यूज किए थे या जो भी सर्विसेज इसने क्रिएट की थी उसके लिए इसको भी कुछ यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा यानी कि ये कुछ इसको रेंट दे सकता है या अगर सपोज परचेज कर रहा है तो एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे ये इसको पे करेगा तो इस तरीके से ये जो सर्विस प्रोवाइडर था इसको भी अपने यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए यहाँ पे रिमनेशन प्रोवाइड हो जाएगा ओके okay? सो so, इस तरीके से ये है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट मींस रिसोर्स सेम सर्विस अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको फिर से ये सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट नहीं करेगा ओके okay? अब नेक्स्ट इसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम फेलियर्स इसका मतलब यह है कि बैकअप में सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें उसको एडिशनली यहां पे रेडी कर सकता है सो दैट इफ सडन ट्रैफिक यहां पे आता है तो ये क्या करेगा इस पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से उस ट्रैफिक को मेंटेन कर सकता है अब नेक्स्ट है इसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम वेंडर लॉक अब वेंडर लॉकस का मतलब क्या है कि मान लो आप किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के सर्विसेज यूज कर रहे हो ठीक है बट इसने क्या है लिमिटेड सर्विसेज मान लो टेन ट्वेंटी फिफ्टी कुछ भी एक लिमिटेड uh, सर्विसेज इसने डिजाइन कर रखी है बट इफ वेंडर वांट्स कि जो भी यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर है या यूजर का रिक्वेस्ट कुछ इस टाइप से आता है कि एडिशनल सर्विसेज का रिक्वेस्ट अगर करता है सो so, यहाँ पे क्या है अब ये यूजर अगर ऑलरेडी पे इसने रजिस्टर किया हुआ है सो so बार बार क्या होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स को तो चार्जेस पे नहीं करेगा सो so, इस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को यहाँ पे रेंट करके इस पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड कर देता है सो so, इस तरीके से ये वेंडर लॉक इन्स को करता है prevent करता है, है? है ठीक अगर present scenario में इसकी बात करें, so, आपका ये बहुत ही हो रहा डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू जो कि क्लाउड की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर यहां पे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और फॉर ऑफ रिसोर्सेस यानी कि कॉस्ट भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एजोर्स यूटिलाइज कर रहा है क्योंकि जो रिसोर्स अवेलेबल हैं हमारे आसपास या जो भी यूज हो रहे हैं वो भी तो एक लिमिटेड नंबर में है मीन अगर सारे सर्विस प्रोवाइडर अननेसेसरली उसको सर्विसेज क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद उसका ओवर यूटिलाइजेशन और उतने रिसोर्सेज फिर हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होंगे सो so बेसिकली एक एडवांटेज ये भी है कि जो भी रिसोर्सेज उसका अवेलेबल है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ठीक है और वेस्टेज मीन्स कि उसका जो वेस्टेज है उसको यहां पे प्रिवेंट कर सकता है राइट right? सो so, ये था क्लाउड फेडरेशन बाकी बाकी की जो भी चीजें हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो थैंक यू सो मच